माइनक्राफ्ट बट आई कैन बाय एंटिटी पावर। यस गाइस, आज की वीडियो में मैं पैसों से एंटिटीज की पावर खरीद सकता हूँ और उनको इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो तो काफी ज्यादा मस्त होने वाली है, बिकॉज आज माइनक्राफ्ट में बहुत गंदी तबाही मचने वाली है। तो चलो देखते हैं हम कौन कौन से एंटिटीज को परचेज कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, तो मेरे अभी वॉलेट में है $1,000। यस, अभी मैं माइनक्राफ्ट में काफी अमीर हूँ। तो चलो देखते हैं हम कौन से एंटिटीज को परचेज कर सकते हैं इन पैसों से। एंड बूम, ये आ गया मैं एंटिटी शॉप। यस, और ये जगह देख रहे हो आप कितनी ज्यादा ऑसम है और स्कैरी भी काफी है। और यहाँ पे लिखा है एंटिटी पावर शॉप। चलो वेट, यहाँ पे कितने सारे एंटिटीज है, चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पे जायंट एलेक्स, नल, हीरो ब्राइन और ब्लडी विलेजर भी है। ओपी, लिटरली ये जगह तो काफी ज्यादा ऑसम है। तो चलो देखते हैं हमारी रेंज में कौन सा एंटिटी आता है। सबसे पहले ब्लडी विलेजर से स्टार्ट है और इसकी है अमाउंट $1,000। What? पहला एंटिटी $1,000 का है। कर भी क्या सकते हैं, करते हैं परचेस। अब ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, कुछ हो रहा है क्या? What? लेजर निकल रही इसमें से। Oh no. And ये क्या हो रहा है? All right, तो मैं ब्लडी विलेजर बन गया, ये देखो। और मेरे पास पता नहीं थंडर स्ट्राइक है, एंड इससे क्या लाइटनिंग गिरती है। यस, लाइटनिंग गिरती है। और ये देखो मैं कितनी सारी लाइटनिंग गिर सकता हूँ, ये तो अनलिमिटेड है। टाइप पे भी गिर दू, एक काम करते हैं अभी इनमें गिर के देखते हैं। ओ, ये क्या था? ओ भाई, एक और बार ट्राई करते हैं। व्हाट, एक जगह कितनी लाइटनिंग गिर रही है। नाइस। तो गाइस, ये है ब्लडी विलेजर और इसके मेन दुश्मन होते हैं विलेजर्स। तो चलो विलेज को ढूंढते हैं और विलेजरों को टपकाते हैं ना, और उनके बदले पैसा भी मिलेगा। ऑलराइट, तो मैंने फाइनली एक विलेज ढूंढ लिया, लेकिन ऐसे मौसम में नहीं, रात में इनको किल करेंगे। तो रात करते हैं एंड बूम। ऑलराइट, तो रात हो गई, चलो अब विलेजर को टपकाते हैं। पहले तो उनके घर पर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरने वालों में काफी ज्यादा। लो ये लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मेरे को बहुत परेशान किया है। ब्लडी विलेजर को बहुत परेशान किया है। ओ, तू कैसे बच गया? अभी रुक, तेरे को मैं टपकाता हूँ अपनी ब्लड स्वॉर्ड से। और ये मेरे को देखो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड आजा, मार ले भाई, देखो हाथ तक नहीं लगा पा रहा। अभी इसको मैं टपका देता हूँ फटाफट। चल भाई, ओके, यहाँ पे थोड़े बहुत घर बचे हैं, इनको टपका देते हैं फटाफट। एंड ऑलमोस्ट मैंने सारे घर में आग लगा दी है, बस थोड़े बहुत रह गए। एंड फाइनली ये विलेज को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे पास काफी सारा पैसा आ गया होगा। एंड मेरे पास अभी $5,000 ही आए, और मुझे $5,000 चाहिए अगले एंटिटी को परचेस करने के लिए। तो चलो, A few moments later. तो यहाँ पे भी मैंने काफी सारे विलेजरों को मार दिया, उनके विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड फाइनली मेरे पास $10,000 प्लस हो गए। चलो एंटिटी को परचेस करते हैं। एंड ये आ गया मैं एंटिटी शॉप। पिछली बार मैंने ब्लडी विलेजर लिया था और इसको अनलॉक कर दिया है, और इस बार जायंट एलेक्स मेरे को मिलेगा। एंड यस, रेट भी उतना ही है। चलो उसको परचेज करते हैं, 1, 2 and 3। ऑल राइट, मैंने बाय कर लिया। अब इसमें से एक निकलेगी बीन, एंड ये, और मैं बनने वाला हूँ। ओ, ये क्या हो रहा है? एंड व्हाट, मैं फाइनली बन गया जायंट एलेक्स। नाइस, चलो गाइस, बढ़िया ही है। वैसे जायंट एलेक्स के पास कोई पावर्स है भी कि नहीं? बस ये बड़ा हो सकता है मुझे लगता है। वे वहाँ पे कौन है ये? एक सेकेंड, मेरे को कुछ देखकर अलग टाइप का मॉब लग रहा है। ये तो कुछ घोस्ट टाइप मॉब लग रहा है। इसको मारते हैं, एक काम करते हैं। और ये तो मर रहा नहीं है, काफी स्ट्रांग है। जायंट एलेक्स से नहीं मर रहा। रुको रुको, अभी मरेगा ना। चलो मार दिया। पर एक सेकेंड, मैं कौन से वर्ल्ड में हूँ? ये देखो वहाँ पे अर्थ। पता नहीं मैं कौन से वर्ल्ड में आ गया, लगता है ये जायंट एलेक्स का वर्ल्ड है। आई डोंट नो। मेरे पास एक सोल बोतल है। एंड व्हाट, इससे इनको डैमेज हो रहा है? व्हाट, ये क्या चीज है? अच्छा, मैं किसी भी मॉब के सामने इसको लेके जाऊंगा तो उसको डैमेज होगा। ओह नाइस, काफी बढ़िया चीज है। और भी कई पावर है, क्या मैं बड़ा हो सकता हूँ? एंड यस, मैं बड़ा हो सकता हूँ जायंट एलेक्स की तरह। नाइस, लेकिन बट मैं अपने आप को ढंग से देख नहीं पा रहा। आई डोंट नो भाई, अब मैं किससे फाइट करने वाला हूँ? कोई खतरनाक मूव आएगा। यहाँ पे दो तीन विलेजर है, इनको मैं सोल से मारता हूँ, और वो देखो उनको डैमेज आ रहा है। एंड वेट, वो मेरे को भी हिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा मेरे को। एंड लो, मर गए वो दोनों। पहले एक काम करते, छोटे हो जाते हैं। एंड बूम, ओके, तो मैं छोटा हो गया। और ये क्या चीज़ है मेरे पास? एक सेकेंड, इस टोटम का ही चीज़ का है। व्हाट, टाइम स्टॉप? ओ वेट, ये टाइम स्टॉप कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए किया इसने। ओ नाइस, मेरे पास एक आइटम भी है टाइम स्टॉप करने का। चलो ट्राई करते हैं इस पे। और ये लो, मैंने टाइम स्टॉप कर दिया। एंड वापस
यार टाइम स्टार्ट हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए कर सकता हूँ टाइम को स्टॉप, ये काफी बढ़िया है जायंट एलेक्स की पावर। अब मेरे से फाइट कौन ही करेगा यहाँ पे, कोई तो दिख रहा नहीं है, कोई तो आया, ये कौन है, ये काफी खतरनाक मोब है। ओ नो 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 नो, भागो 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 भागो, अरे नाय तो मार देगा। मैंने जो सोचा था वो यही मोब है, ये काफी खतरनाक मोब है, अगर इसको मैं मार दूंगा तो मेरे पास काफी पैसा भी आ जाएगा, तो फटाफट इसको मारना पड़ेगा। लेकिन यार ये मेरे को मारने तक नहीं दे रहा, अरे नहीं इस पे तो यार सोल बोतल का भी कोई असर नहीं हो रहा। रुको रुको, अब मेरे को एक ही काम करना पड़ेगा, इसको हाथ से मारना पड़ेगा, और इसको कितना गंदा डैमेज जा रहा है। एंड लो मर गया फाइनली, ओके फाइनली मार दिया मैंने। अरे यार ये तो बड़ा कमजोर मूव निकला जायंट एलेक्स के सामने, बट मेरे पास पैसा बहुत कम है यार, मैं इससे एंटिटी परचेस नहीं कर सकता, मुझे कुछ और मोब्स को मारना पड़ेगा। तो चलो मार के देखते हैं कितना पैसा मेरे पास आएगा। ऑलराइट, तो मैंने 500K डॉलर कंप्लीट कर लिए, उससे ज्यादा ही, तो चलो चलते हैं अब एंटिटी शॉप 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, तो मैं एंटिटी शॉप आ गया, अब बस दो एंटिटी बचे हैं, हीरो ब्रायन और नल, बाकी के मैंने दोनों खरीद लिए हैं, अब हीरो ब्रायन की बारी है, चलो इसको परचेज करते हैं और माइनक्राफ्ट में तबाही मचाते हैं। बट वेट, 1 मिलियन डॉलर का ये, ओ नो इतना पैसा नहीं है मेरे पास, और नल कितने का है, एंड देखते हैं। ओके तो ये 500K डॉलर का है जितना मेरे पास पैसा है, तो चलो इसको परचेज कर लिया मैंने। एंड इसमें से निकलेगी बीन और ये जा रही सीधा आसमान में। एंड व्हाट, मैं फाइनली नल बन गया, ओ नाइस, और ये कौन से वर्ल्ड में पता नहीं, लेकिन इस नल की आंखें देखो बिल्कुल सफेद हीरो ब्रायन की तरह, काफी बढ़िया है नल। और मेरे पास कई सारी पावर्स भी है, पता नहीं ये क्या है मेरे हाथ में, लेकिन ये काफी अच्छा लग रहा है, लगता है डार्क पावर है कोई। तो चलो मैं उड़ के भी जा सकता हूँ कहीं इधर से उधर, नल के पास उड़ने की पावर है जो आपको पता नहीं है, लेकिन ये उड़ सकता है जैसे हीरो ब्रायन उड़ सकता है। ओ भाई कितने मस्त पावर है। तो चलो यहाँ पे कासल टैप बहुत पुराना, वेट मेरे पास डार्क पावर से मैं डार्क फ्लेम भी भाई निकाल सकता हूँ, ये देखो डार्क फ्लेम, वो भी हवा में भी। ओ भाई ये क्या पावर है, चलो पहले अंदर चलते हैं मैं कासल के, मुझे लग रहा है कोई अंदर तो है खतरनाक मोब जिसको डिफीट करने के बाद मेरे पास काफी पैसा आएगा, मतलब काफी। ओके यहाँ पे तो कोई नहीं है, एंड यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे कोई है भी कि नहीं, वेट मुझे कोई ताकत सेंस हो रही है, एक सेकेंड यहाँ पे कोई खतरनाक मोब वो रहा। ओके तो वो तो काफी खतरनाक मोब लग रहा है, उससे पहले ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूं, मैं कर देता हूँ उसको डिस्ट्रॉय। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे से भी ताकतवर लग रहा है। ओ नो, मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, जिन्हें नहीं पता ये कॉस्मिक है, मेरी ओल्ड वीडियो में भी देखा होगा आपने इस कॉस्मिक को, बहुत ताकतवर है। लेकिन रुको मैं घर के अंदर छुप जाता हूँ, अरे नहीं इसने तो घर ही उड़ा दिया, लिटरली कितना ताकतवर है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे भागने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे इसको मारना पड़ेगा। ओके, मैं पानी में आ गया। एंड ये ले तू भी ले, हमारी लड़ाई कम से कम 1 घंटे से हो रही है लेकिन कोई नहीं जीत रहा। अरे नहीं, बस अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ तेरे से, अब तू नहीं बचने वाला। ये ले एंड ये ले मेरा लास्ट वार, एंड लो फाइनली मैंने इसको मार दिया। ऑल राइट ओके, ओ नाइस, तो फाइनली मैंने कॉस्मिक को भी मार दिया, और मेरे पास पैसा कितना हुआ, वो मेरे पास पैसा तो काफी ज्यादा हो गया। चलो गाइस अब बारी है हमारे लास्ट हीरो ब्रायन को परचेस करने की, क्योंकि मेरे पास 1 बिलियन डॉलर हो गए, तो चलो चलते हैं एंटिटी शॉप। ऑलराइट, फाइनली मैं एंटिटी शॉप आ गया, और हमारा लास्ट एंटिटी जो कि हीरो ब्रायन है, फटाफट इसको परचेस कर लेते हैं, और मुझे मिलने वाली है काफी ज्यादा ताकत जिससे मैं माइनक्राफ्ट में तबाही मचा सकता हूँ। एंड ये कर लिया मैंने परचेस, और अब निकलेगी एक लाइट और ये जा रही है सीधा आसमान में, एंड फाइनली वो ही होने लग गया जो पहले हो रहा था। एंड नाइस, फाइनली मैं हीरो ब्रायन बन गया। ओके अब तो माइनक्राफ्ट में तबाही मचने वाली है, और मैं स्पॉन भी कहाँ हुआ हूँ, ये विलेज में, अब तो ये विलेज नहीं बचने वाला।
तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बीसी गेम्स के बारे में। बीसी गेम्स में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे गेम जैसे कि क्रैश, माइन, कॉइन फ्लिप और भी कई सारे गेम्स जिनको आप इजीली खेलकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। और यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर रोजाना खेलते हैं और ये बहुत ज्यादा सिक्योर है और अपने प्राइजेस को आप बहुत आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो चलो मैं आपको एक गेम खेल कर दिखाता हूँ जिसका नाम है माइंस। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल गेम है, इसमें हमें सिंपली बस डायमंड फाइंड करना पड़ता है वो भी बॉम्ब से बचते हुए। तो अगर आपकी प्रिडिक्शन ठीक हुई तो आप प्राइस जीत जाओगे जैसे कि मैं अभी जीत गया। और इसमें मेरा एक और फेवरेट गेम है जिसका नाम है कॉइन फ्लिप। इसमें हमें बस प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि हेड्स आएगा या टेल्स। अगर आपका प्रिडिक्शन ठीक हुआ तो आप जीत जाओगे। ऐसे और भी कई सारे गेम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है जिसको आप इजीली खेल सकते हो। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि अल्फा बीसी है तो आपको 300% का कैश बोनस मिल जाएगा। साथ में आप स्पोर्ट्स पे भी प्रिडिक्शन कर सकते हो जैसे कि आईपीएल और भी अदर क्रिकेट मैचेस। चलो इस विलेज को फटाफट तबाह करते हैं और इस पे मैं गिरने वाला हूँ काफी लाइटनिंग। और ये लाइटनिंग काम नहीं है, ये पूरा गड्ढा कर देती है बेडरॉक लेवल। ओ भाई साहब ये देख रहे हो कैसे घर टूट रहे। ओ भाई तबाही करने में काफी मजा आ रहा है। और ये लास्ट घर था और फाइनली मैंने विलेज को 2 सेकंड में तबाह कर दिया। ये देखो यहाँ पे तो अब विलेज ही नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, क्या मैं माइनक्राफ्ट के स्काई में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ? चलो ट्राई करते हैं। एंड 1, 2 एंड 3। वेट, ये क्या कर दिया मैंने स्काई के साथ? ओ भाई यहाँ पे तो पूरी गैलेक्सी सब कुछ दिख रहा है। चलो गाइस अब मैं चलता हूँ एंडर ड्रैगन को फोड़ने, वो भी अपनी स्वॉर्ड से, क्योंकि लास्ट में एंडर ड्रैगन को ही मारना था। तो चलो चलते हैं, मैं इतनी मेहनत करी क्यों रहा हूँ। मैं चलता हूँ सीधा अब एंड सिटी में। ये लो मैं आ गया एंड सिटी में और वो रहा एंडर ड्रैगन उड़ता हुआ। चलो इसको पढ़ते हैं। अरे ये कौन है, इनको पहले टपकाऊं क्या मैं? अरे इनको तो 2 मिनट में टपका दूंगा। वैसे भी इनसे मेरे को कोई काम नहीं है, मैं सीधा अपने काम से काम रखता हूँ जो कि एंडर ड्रैगन को फोड़ना। आजा एंडर ड्रैगन, तेरे को तो हवा में ले जाके मैं मारूंगा। कितनी बार तू पिटेगा है हीरो ब्राइन से। चलो चलो चलो, और मरने वाला है बस। एंड फाइनली ये मर गया। लो हीरो ब्राइन ने एंडर ड्रैगन को मार दिया। चलो गाइज मैंने जो बोला था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, इससे पहले मैं इस एंडरमैन को मार दूं, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइज मिलते हैं ऐसे और अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।